हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं माचिस स्टिक से कोटे बनाने वाला हूँ। वही बनाएंगे सोम भाई का, मतलब सोम्स आर्ट नाम का उसी का एक यूट्यूब में एक चैनल है, तो सोम भाई का कोटे बनाएंगे। तो चलो अच्छे से देखो, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को फॉलो कर देना। और मिले और एक बात फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो कैसा हो। तो चलो शुरू कर दे। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं जो ये आर्टवर्क कम्प्लीट करने में जो जो मटेरियल यूज़ किया हूँ वही बोलना चाहता था। मैंने जो नॉर्मल जो माचिस स्टिक मिलता है बाज़ार में 1 रुपया आप करके, वही माचिस स्टिक मैंने यूज़ किया हूँ। उसके साथ साथ मैंने जो कॉटन स्टिक होता है यार में देने के लिए वही यूज़ किया हूँ, और यूज़ किया हूँ मैं जो इरेज करने के लिए नॉर्मल जो क्ले इरेजर मिलता है बाज़ार पर, वही क्ले इरेजर ही मैंने यूज़ किया। और उसके साथ साथ जो नॉर्मल जो कार्टिज पेपर मिलता है वही नॉर्मल कार्टिज पेपर ही मैंने यूज़ किया हो। और एक बात फ्रेंड्स, जो ये माचिस स्टिक है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये हार्ड ये सॉफ्ट है और ज़्यादा डार्क नहीं होता, ठीक है। तो लेयर के ऊपर लेयर देने की कोशिश करोगे तो अब लोगों का पिक्चर अच्छा बनेगा। इन्हें देखा करके ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, इसीलिए मैंने सोचा और भी इसका ऊपर और भी कुछ टॉपिक लेके आऊँगी। तो आप लोग देखोगे तो मैं बनाने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखते रहो। और एक बात फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा हुआ, और ये वीडियो अच्छा हुआ तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पे ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल कर देना मत भूलिए। तो चलो वीडियो को पूरा ख़त्म करते हैं।
तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेके। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।